हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सर्वसुलभ औषधि जो कि हर कहीं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये आपको खाली पड़े मैदानों में, जहाँ बंजर भूमि हो, पूरे भारत में ये लगभग सभी समान रूप से पाई जाती है। हिमालय के पर्वतों से लेकर खाली पड़े मैदानों तक ये हर जगह पाई जाती है। इस औषधि का नाम है आग। दोस्तों, ये दो किस्म की होती है, एक सफ़ेद आग और एक जो जिसके कि बैंगनी रंग के फूल होते हैं। सफ़ेद आग के जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, इसलिए इसको सफ़ेद आग कहा जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी है, इसकी पूजा की जाती है। मगर जो दूसरे किस्म का आग है, जो बैंगनी रंग के फूलों वाला है, इसको औषधि प्रयोग में बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैलोट्रोपिस। संस्कृत में इसको अर्क, तूलफल, शीरपर्ण, आसफोट और हिंदी में आग, अकवन, अकोवा, बंगाली में अकन, मराठी में एके, ऐसे बहुत से नामों से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो इसके प्रकृति जो होती है वो विषैली होती है, मगर इसके फायदे बहुत हैं। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे, तो हम समझेंगे कि ये पौधा बेकार खड़ा है, मगर इसके आयुर्वेद में बहुत से प्रयोग हैं। इसके फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आपको इसकी जानकारी होगी। प्रयोग करने से पहले मैं ये सलाह दूंगा कि आप अच्छे प्रकार से सोच समझ लें, किसी आयुर्वेदाचार्य या किसी जानकार की सलाह लें। इसके फायदे, नंबर एक, जोड़ों के दर्द में। दोस्तों, ये जोड़ों के दर्द में बहुत काम करता है। अगर किसी भाई बहन को जोड़ों का दर्द है तो इसके पत्ते गर्म करके आप इसके पत्ते तोड़ लीजिए कुछ, और इन पत्तों को गर्म करके तवे पे या आंच पे गर्म करके गर्म गर्म ही आप इसके ऊपर सरसों का तेल जो होता है वो लीजिए, उसको भी गर्म करके उसमें हल्दी मिला करके उसको गर्म करिए और उसके ऊपर मलिए, और गर्म गर्म ही आप इसको अपने जोड़ों के ऊपर बांधिए। आपका जोड़ों का दर्द थोड़े ही दिन में बिल्कुल गायब हो जाएगा, दो तीन दिन में गायब हो जाएगा, बहुत फायदा करता है। दूसरा प्रयोग इसका है त्वचा के लिए। दोस्तों, अगर आपको कुछ त्वचा रोग में बहुत फायदेमंद होता है ये। त्वचा रोग में आप इसको, इसका जो आपको कोई फोड़े फुंसी है, खाज खुजली है, दाद है, उसमें आप इसका रस लीजिए और जहाँ पर आपको समस्या है वहाँ पर आप इसको मल सकते हैं, या फिर इसकी जड़ लीजिए, उस जड़ को आप जलाइए और जला करके आप उसको उसमें कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल मिलाइए, और जहाँ पर आपको ये जो खुजली वगैरह की समस्या है वहाँ पर लगाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तीसरा है पाइल्स में, बवासीर में आप क्या करेंगे, इसको इसका जो आग का दूध होता है उसको निकालिए और बाहरी मस्सों पर इसका इस्तेमाल कीजिए। बवासीर में ये बिल्कुल आपको आराम देगा, दर्द से आराम देगा। घाव पर लगाइए बाहरी रूप से, ये बिल्कुल आराम करेगा।
दोस्तों, अगर आपको कहीं घाव हो गया है, छाले हो गए हैं, तो इसके दूध में हल्दी मिला करके, थोड़ी हल्दी लीजिए, हल्दी मिला करके आप इसमें इसके दूध में और घाव पर लगा सकते हैं, आपके पाँव के छालों पर लगा सकते हैं। डेफिनेटली आपको बिल्कुल आराम करेगा। और भी इसके प्रयोग हैं, जैसे बांझपन में, कान की बीमारी में और डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ से आजकल बहुत लोग परेशान हैं, तो मैं इसका एक प्रयोग बता देता हूँ। डायबिटीज़ में आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे, आप इसके जो पत्ते होते हैं, ये देखिए, ये जो इसके पत्ते हैं, इनको तोड़िए और ऊपर से इनको थोड़ा छील के उनको साफ़ कर लीजिए। थोड़ा छील करके साफ़ करके आप इनको जुराबे में पहन सकते हैं, जैसे पैर के तलवे होते हैं, पैर के तलवों में आप इसको, जैसे एक जूते का सोल होता है, जराबों में आप इसको जराबों के नीचे पहन सकते हैं। बिल्कुल ये आपके पैरों के नीचे होने चाहिए, खिसकने नहीं चाहिए, आप इसको जुराबे में पहन सकते हैं। डेफिनेटली आपको योग फायदा करेगा, आप प्रयोग करके देखिए और औरों को बताइए। और इसका एक और प्रयोग मैं बताता हूँ, अस्थमा के रोग में। अस्थमा के रोग में दोस्तों, आप इसके फूलों का चूर्ण बना करके उसको ले सकते हैं, वो आपको बिल्कुल फायदा करेगा। एक और इसका प्रयोग मैं बताता हूँ, हैजा में। हैजा में आप इसको जड़ को सुखा करके, अदरक का रस मिला करके उसमें जड़ को सुखा लीजिए आप इसको, इसको फिर साफ करके अच्छी तरह से उसका चूर्ण बनाइए, उसमें अदरक का रस मिलाइए, थोड़ा 1 चम्मच 2 चम्मच अदरक का रस मिला के, प्लस उसमें आपको काली मिर्च का चूर्ण मिला करके मटर के आकार की आपको गोलियां बनानी है, और हर 2 घंटे में एक गोली, 1 चम्मच 1 चम्मच पुदीने के रस के साथ लेनी है। आपको हैजे में ये बहुत फायदा करेगा। इससे अगर आपको ज्वर है, बुखार है, वो भी ठीक होगा। एक और प्रयोग मैं आपको इसे बताता हूँ दोस्तों, अगर आपकी त्वचा जो है वो रूखी हो गई, कोमल त्वचा आपको चाहिए, तो आप इसका रस निकालिए और त्वचा पर मलिए। अगर मुंह पर लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आँखों में न लगने पाए, क्योंकि इससे अंधेपन तक की शिकायत हो सकती है। तो जब भी आप इसको प्रयोग करें, थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है विषैली है। दोस्तों, इसके साथ आपको थोड़ा और भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी प्रकृति विषैली है, तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसके मैं कुछ नुकसान भी बता देता हूँ, वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत गुणकारी पौधा है। इसके नुकसान भी हैं कुछ, जैसे इसमें नुकसानदायक एक रसायन भी होता है, तो वो हृदय को प्रभावित करता है। आपको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, हृदय गति धीमी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, तो गर्भावस्था में आप प्रयोग न करें और आँखों पर न लगाएं। दोस्तों, ये कुछ प्रयोग मैंने आपको बताए, आशा करता हूँ कि आपको ये फायदा करेंगे, और दोस्तों में बताएं। तो अगर आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और दोस्तों को भी बताएं, और वीडियो को शेयर करें, ताकि और दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।